एकदम क्लीन किया जा सकता है। ये स्टीयरिंग वगैरह में हेलो दोस्तों, कैप्स इंडिया में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम लाए हैं कार्जर का SC2 मॉडल। स्टीम क्लीनर है, इसमें चार मॉडल आते हैं, एक तो SC1 है, SC2, SC3, SC4 और SC5। इनकी सबकी अलग अलग कैपेसिटी है और आज जिसका हम डेमो करने जा रहे हैं यह है SC2 मॉडल। इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं क्या क्या अटैचमेंट है इसमें और कहाँ कहाँ यूज आता है इसका। ये अनबॉक्स कर रहे हैं इसको, ये मैनुअल है, यूजर मैनुअल, इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या कैसे अटैचमेंट लगाना है, कैसे यूज करना है, सारी एक्सेसरीज वगैरह सब इसमें दी हुई है। इसके बाद इसका ये मोपिंग का है जो इसके साथ अटैच होगा। ये इसमें वेलक्रो दिया हुआ है, आप इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं। और ये हैंड में लगाने का, हैंड में लगा के इसको क्लीन कर सकते हैं। ये इसमें दो व्हील दिए हुए हैं, इसको आप चला सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये इसका करीब 2.5-3 मीटर का लेंथ का ये होज है जिससे स्टीम निकलेगा। ये गन है इसका, ये अटैचमेंट है दोनों इसके, इसको लेंथ बढ़ाने के लिए ये इसकी लेंथ बढ़ जाती है। कहीं आपको सीलिंग वगैरह साफ करनी है या कहीं दूर का है, ये दोनों अटैच हो गए। ये इतनी लंबी गन हो गई, आपको फैन वगैरह है, सीलिंग वगैरह है, गाड़ी का सीलिंग वगैरह है, ये सब इससे क्लीन कर सकते हैं आप और इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। क्विक कनेक्टर्स दिए हुए हैं इसमें। ये एक और अटैचमेंट है इसमें, ये आपको सोफा ओफा क्लीन कर सकते हैं इससे, ये गाड़ी का मैटिंग वगैरह साफ कर सकते हैं, ये वेंट प्लग वगैरह एसी के वो साफ कर सकते हैं। ये एक और छोटा नोजल है इसके साथ, ये इसमें थोड़ा छोटा सा ब्रश भी दिया हुआ है। ये इसको ये छोटी सी जगह कहीं जहां पे आपका ये बड़ा ब्रश वगैरह या कोई चीज नहीं पहुंच पा रही है, ये उसमें आप लगा सकते हैं। ये छोटा सा ब्रश भी दिया है, इसको आप ऐसा मूव करके दाग भी छूटेगा और इससे स्टीम निकलेगा, दोनों काम हो जाएंगे। और ये कहीं जहाँ पे आसानी से पहुंच नहीं रहा है, हाथ नहीं पहुंच रहा है या बड़े वाले अटैचमेंट नहीं पहुंच रहे, उसको अंदर ये आप आराम से पहुंच सकता है। इसमें ये इसका वाटर का एंट्री है, टैंक है, इसमें ये वाटर डालते हैं, मिनरल वाटर डालते हैं इसमें ताकि टैंक में कोरोजन वगैरह नहीं लगे। ये अटैचमेंट रखने का है इसमें, यहाँ पे इसका स्विच दिया हुआ है, हीटर का ये पॉइंट है, इसको ऑन करके रखेंगे और ये 2 से 3 मिनट के अंदर इसको होल्ड करके रखना पड़ता है। उसके बाद जैसे ये लाइट ब्लिंक करेगी मतलब ये इसमें स्टीम बन गया है, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। ये वाटर इसमें डाल देते हैं, इसमें काफी कुछ चीजें साफ की जा सकती हैं एक साथ। इससे टैप बंद हो गया और जब ये हीट हो जाएगा एक बार तो उसके बाद जो है ना ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, ये कि खुले ना कहीं
हाथ वाथ में स्टीम वगैरह नहीं लगे, सेफ्टी पर्पज से ये दिया हुआ है। अब इसको कनेक्ट करते हैं लाइट से। ये ऑन कर दिया है, अब इसमें ये दो लाइट जल रही है, इसमें से एक बंद हो जाएगी, मतलब ये स्टीम बन गया इसके अंदर, फिर अपन इसको यूज कर सकते हैं। इसके कई यूजेस हैं, एक तो घर में यूज कर सकते हैं, चिमनी वगैरह साफ करनी है, या फिर सिंक वगैरह साफ करना है, बेसिन वगैरह साफ करनी है, एसी के फिल्टर्स वगैरह ये सब साफ कर सकते हैं। और ये होटल्स वगैरह में काफी यूज होता है, होटल्स के जैसे जो चिमनीज हैं उसको आप साफ कर सकते हैं, और होटल में जो किचन में एरियाज में जो बहुत सारा ऑयली हो जाता है वॉल वगैरह, या फिर और भी चीजें जो ऑयली हो जाती हैं उसको क्लीन करने के लिए ये स्टीम से आप साफ कर सकते हैं। दूसरा यूज इसका ये है कि आप इसको जो है ना घर गाड़ी वगैरह में भी आपका इंजन वगैरह जहाँ पे ग्रीसिंग वगैरह लग गई है, ऑयल वगैरह है, और आपका हैंडल वगैरह है डोर के, या तो फिर एसी के वेंट प्लग वगैरह है जहाँ पे आसानी से अंदर हाथ नहीं पहुँचता या कोई चीज साफ करने की नहीं होती है, या फिर अलॉय व्हील्स है जहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है किनारे में जो अच्छे से साफ नहीं होता, तो ये स्टीम से आसानी से उसको साफ कर सकते हैं। या फिर उसका विंडशील्ड के जो हार्ड वाटर है धोने के बाद जो निशान रह जाते हैं पानी के, उसको आसानी से इससे साफ किया जा सकता है, वो एकदम क्लीन हो जाते हैं हार्ड वाटर के जो निशान है। ये स्टीम इसमें प्रिपेयर हो गया है। चलिए दोस्तों अब इसको कार में इंटीरियर वगैरह अलॉय व्हील्स वगैरह साफ करके एक बार देखते हैं। चलिए इसमें ये स्टिकर लगा हुआ है, इसको हटा के देखते हैं पहले। ये देखिए निकल रहा है पूरा और एकदम क्लीन हो जाएगा ये स्टिकर, ये बहुत ही स्टिक था ऐसे निकल नहीं पाता, ये स्टीम क्लीनर से तुरंत क्लीन हो गया, एकदम पूरा निकल गया। ये एसी का वेंट प्लग वगैरह यहाँ पे नहीं पहुंचता, ये इसको क्लीन कर सकते हैं। इसके हैंडल वगैरह ये यहाँ यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है जो आसानी से छूटता नहीं है, ये सारा क्लीन कर सकते हैं आप। ये ग्लास में भी यहाँ पे हार्ड वाटर लग जाता है जो आसानी से नहीं छूटता है नॉर्मली, इसको अपन ये देखिए कितना ये एकदम क्लीन हो गया। ये गियर नॉब वगैरह इसको आराम से एकदम क्लीन किया जा सकता है। ये स्टीयरिंग वगैरह ये नॉब वगैरह लाइए, इसको विंडशील्ड में मार के देखते हैं जहाँ पे हार्ड वाटर वगैरह या और कोई भी लग गया हुआ है, बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है सारा। ये देखिए एकदम चकाचक हो गया है, बिल्कुल क्लीन नया जैसा लग रहा है। ये किनारों में जहाँ जहाँ पे आसानी से कोई चीज पहुँचती नहीं है साफ करने के लिए, ये आसानी से अपन क्लीन कर सकते हैं इसको। ये हेडलाइट को भी क्लीन कर सकते हैं इससे।
ये देखिए काफी हद तक क्लीन हो गई है ये। लाइए इसको इंजन में करके देखते हैं यहाँ पे ऑयली वगैरह हो गया है या गंदा हो गया है, ये देखिए। ये क्लीन हो रहा है। बहुत ज्यादा प्रेशर है इसका भाप का, यहाँ पे देखिए जो भी देखिए एकदम क्लीन हो गया है। इसकी पूरी रबर बीडिंग वगैरह एकदम क्लीन हो गई है। ये इंटीरियर के लिए बहुत ही बढ़िया मशीन है इंटीरियर क्लीन करने के लिए, स्टीम वॉशर ST2। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और जिस मशीन पे आपको वीडियो चाहिए हो तो उस मशीन पे हमें कमेंट करके बताएं, तो हम उस मशीन के ऊपर आपको वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। धन्यवाद।